हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कंप्रेसर ओवरहीट होने के मेन रीज़न देखने वाले हैं। इसमें अगर गैस प्रेशर कम रहेगा तो भी कंप्रेसर हीट होता है। तो अभी मैं एक मशीन पे आया था, यहाँ पे कंप्रेसर थोड़ी देर चल के बंद हो रहा था, तो मैंने इसका ऊपर का कैप खोल दिया है। और जैसे मैं कंप्रेसर का हाथ लगा रहा हूँ तो ये बहुत गर्म है, तो मैंने इसका भी पावर सप्लाई बंद किया है। इस केस में सबसे पहले हमें गैस प्रेशर चेक करना होता है। इसका गैस प्रेशर तो सही है। जब मैंने इसकी मोटर घुमा के देखी तो ये मोटर जाम है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये मोटर जाम होने की वजह से कंडेंसेशन नहीं हो रहा था और कंप्रेसर का हेड प्रेशर बढ़ के कंप्रेसर गर्म होता था। अभी मैं इसकी मोटर चेंज करूँगा, उसके बाद ये स्मूथ चलेगा। अभी भी कंप्रेसर बहुत गर्म है, मैं आपको पानी डाल के दिखा सकता हूँ। तो गाइज, मैं अभी पानी का बॉटल भर के लेके आया हूँ और मैं आपको कंप्रेसर के ऊपर डाल के दिखाता हूँ कितना गर्म है कंप्रेसर। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत गर्म है। तो गाइस, कंप्रेसर गर्म होने की यही मेन रीज़न है। सबसे पहले तो कंडेंसेशन प्रॉपर होना चाहिए, कंडेंसर भी क्लीन चाहिए, गैस प्रेशर भी बराबर होना चाहिए। अगर ये सब सही है तो हम कंप्रेसर को चेंज करेंगे। लेकिन कंप्रेसर को चेंज करने के पहले हमें फैन मोटर, कंडेंसर, गैस प्रेशर देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम एक्सपांशन को भी चेक करेंगे। अगर एक्सपांशन वाल ब्लॉक रहेगा तो भी हाई प्रेशर होकर कंप्रेसर गर्म हो सकता है। इसके अंदर एक्सपांशन के लिए कैपिलरी यूज़ की है। अगर कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक रहेगी तो उस केस में भी हाई प्रेशर हो सकता है। तो गाइज, इस केस में अगर मैं आउटडोर को चालू करता हूँ तो सिर्फ कंप्रेसर चलता है, कंडेंसर फैन मोटर ऑन नहीं हो रही। तो अभी मेरे पास दूसरी पुरानी वाली फैन मोटर है, मैं उसे इसके अंदर लगा दूंगा और इसे ऑन कर दूंगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, ये दूसरी एक मोटर है जिसे मैं लेके आया हूँ, अभी चेंज करते हैं इसे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैंने मोटर चेंज कर दी है और ये परफेक्ट चल रहा है, कंप्रेसर भी हीट नहीं हो रहा है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पर हम डेली लाइव आते हैं और साइट पर जो भी काम चलता है उसे हम लाइव पर दिखाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।